Audio Jungle. नमस्कार, पत्रकार राजेश कुमार बिश्नोई एफ न्यूज चैनल से। अभी हम इस वक्त अनूपगढ़ आगार में खड़े हुए हैं, जहां पर राजस्थान रोडवेज के चक्के, आप ये देखिए किस तरीके से ये रुके हुए हैं। और आज संयुक्त मोर्चा के द्वारा 12वां दिन में प्रवेश कर गई ये हड़ताल। जो बसें इस बेड़े में ये खड़ी हुई है, और कर्मचारी हैं और रिटायर्ड कर्मचारी हैं संयुक्त मोर्चा के जो भी हैं, वो सारे डिपो के बाहर आज 12वें दिन धरने पर बाहर बैठे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, आम जन को भी बहुत परेशानी हो रही है इसको लेके। और निजी वाहन है, लोक परिवहन है, ये इस तरीके से मतलब नाजायज़ शोषण भी कर रहे हैं, लेकिन आम यात्री गण काफ़ी परेशान है कि वो मतलब क्या करें। सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि जयपुर में इनके प्रदेश के जो भी मतलब संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं, वो वहाँ पर इस मतलब मोर्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि एक तो 7वें वेतन आयोग की जो विसंगति है उसको सुधारा जाए, नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए, चालक परिचालकों की, और इनको जो भी सुविधा अन्य कर्मचारियों को दी जा रही है वैसी सुविधा इनको भी दी जाए। और ये बीच बीच में कई बार पहले भी इन्होंने धरने किए थे, उस टाइम में वार्ता भी हुई थी, समझौते भी हुए थे सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार ने उन समझौतों की पालना नहीं की। इस वजह से आज 12वें दिन ये प्रवेश हुई है। आप ये देखिए राजस्थान रोडवेज की बसें किस तरीके से बेड़े में खड़ी हुई है। आज 12 दिन हो गए इनको खड़े हुए को, और अभी तक किसी प्रकार का कोई भी सरकार के द्वारा मतलब इनके पदाधिकारियों को जो जयपुर में बैठे हुए हैं उनको नहीं बुलाया। राजस्थान मुर्दाबाद, 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 और कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 यूनुस खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये हमारे महेंद्र सिंह बुटर जी हैं और संयुक्त मोर्चा के सीटू के पदाधिकारी हैं। आज 12वां दिन इनको हो गया है धरने पर। ये अनूपगढ़ आगार के बाहर धरना लगा के चालक परिचालक रिटायर्ड कर्मचारी और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। तो बुटर जी, आप बताइए कि सरकार मतलब क्या कर रही है, और आपके जो जयपुर में बैठे हैं उच्चाधिकारी पदाधिकारी, वो क्या वार्ता हो रही है या नहीं हो रही है? ऐसा है जी, राजस्थान रोडवेज का जो संयुक्त मोर्चा बना है वो हड़ताल पर है, और सबसे बड़ी खुशी की हमें बात ये है कि जो हमारे रोडवेज के कुछ अधिकारी ड्यूटी कर रहे थे कई दिनों से, वो कल से वो भी हड़ताल पे आ चुके हैं। अब राजस्थान रोडवेज में ओनली डेपुटेशन पे आए हुए एमडी चेयरमैन, वो 2-3 IAS हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं, या सुरक्षा प्रहरी जो हमारे ठेके पे लिए हुए हैं। इसके अलावा कोई राजस्थान रोडवेज में कोई भी कर्मचारी ड्यूटी नहीं कर रहा। 52 के 52 डिपो ठप पड़े हैं और ऑफिसों पर ताड़े लगे हुए हैं। भाई रही बात रणनीति की, आज हमारा 12वां दिन है और राजस्थान रोडवेज का जो परिवहन मंत्री है उसने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। उससे ये सिद्ध होता है कि वो लोक परिवहन बस मालिकों का और हमारे परिवहन मंत्री का एक बड़ा माफिया बन चुका है परिवहन, और वो पैसे इकट्ठे करके आगे वाले इलेक्शन में उसका यूज करेंगे और माफिया के रूप से उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए वार्ता पे नहीं बुला रहे, और इस हड़ताल को जानबूझ के पब्लिक को दुख पहुँचाने के लिए लंबा किया जा रहा है। इसमें पहले आपके कई समझौते भी हुए थे सरकार के द्वारा, तो उन समझौतों की क्या पालना नहीं कर रही क्या सरकार? 27 जुलाई को हमारी पहले 25, 26, 27 तीन दिन की हड़ताल हुई थी। 27 जुलाई को उसी परिवहन मंत्री के परिवहन जो आयुक्त हैं शैलेंद्र अग्रवाल, उसकी मौजूदगी के अंदर लिखित में एच फार्म पे समझौता हुआ था। उस समझौते के को बिल्कुल लागू करने सरकार ने मना कर दिया, और यहाँ तक यूनुस खान अलग अलग मंचों पर पत्रकारों को बताते हुए बयान दे रहे हैं कि रोडवेज की जो हड़ताल है वो पब्लिक को दुख पहुँचाने के लिए कर्मचारियों की जिद के कारण की है, जबकि वो हमारी जो मांग है तो किया हुआ समझौता है जो 27 जुलाई को हुआ था उसको लागू करने की मांग है। ठीक है। और ये अनूपगढ़ आगार का ये कार्यालय है, और इसके बाहर ही ये मतलब कर्मचारियों ने, चालकों ने, परिचालकों ने आज 12वें दिन में ये प्रवेश करा। इन्होंने धरना लगा कर हड़ताल कर रखी है, और बसें जो है वो आगार कार्यालय के अंदर खड़ी हुई है। राजेश कुमार बिश्नोई अनूपगढ़ से। अभी इस वक्त हम अनूपगढ़ रोडवेज के बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, जहां पर आप देखिए एक वीरानगी नज़र आ रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी चहलकदमी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज 12 दिन हो गए हैं कि राजस्थान रोडवेज की बसों के चक्के बिल्कुल रुके हुए हैं, और जो भी चालक है, परिचालक है, इनके कर्मचारीगण है और रिटायर्ड कर्मचारीगण है, इन सभी ने प्रदेश व्यापी संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत हड़ताल कर रखी है। और ये आप देखिए हमारे अनूपगढ़ का मतलब रोडवेज बस स्टैंड है, और
दूसरी सबसे बड़ी समस्या यात्रियों के साथ में ये भी आ रही है कि एक तो उनको आवागमन में दिक्कत हो रही है, दूसरा वो निजी वाहनों पर डिपेंड हो रहे हैं जिसकी वजह से वो मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। इस तरीके की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रदेश सरकार को मतलब सोचना चाहिए, इनके मतलब प्रदेश के जो इनके जो जयपुर बैठे हुए हैं पदाधिकारी संयुक्त मोर्चे के, उनको बुला के वार्ता जारी करनी चाहिए। और दूसरा ये जो केंद्रीय बस स्टैंड अनूपगढ़ के अंदर ये जो कैंटीनों के ठेके दे के जो ये कैंटीन खोल के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, आज वो भी बंद पड़ी है। और इनका जो किराया था वो एडवांस इन्होंने जमा करवा रखा है, कम से कम 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का महीने का ये किराया भरते हैं और आज ये बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, रोजी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। राजेश कुमार अनूपगढ़ से।